अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह पहुँच गया पार्सल। तो पार्सल क्या है, तो जो ही मैंने इसको खोला ना, तो मुझे लगा था मैंने ये ना ऑर्डर कैंसिल किया है, बट मैंने इसको कैंसिल नहीं किया था, ये कैंसिल नहीं हुआ था। शायद मुझे कुछ काम पड़ गया होगा और मैं कैंसिल करना भूल गई थी। अब ये पहुंच गया है तो मैंने सोचा चलो इसको देखते हैं कैसे था। अब जब पहुंच ही गए हैं तो देखते हैं। तो ये मैंने रिसीव कर लिए। तो ये क्या आइकॉनिक के हाइलाइटर चार थे, तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कैसे है क्या है। मैंने अभी तक यूज़ में नहीं लाए हैं कभी पूरी लाइफ में, और ना मुझे यूज़ करना आता है मेकअप, कैसे क्या करते हैं, कब कंसीलर लगाना होता है, कब फाउंडेशन, कब कैरेक्टर, ओह कितनी सारी चीज़ें हैं। और मेरी बहन जो है वो मुझे बोलती है आप दूसरी चीज़ पहली लगाती हो, पहली लास्ट में लगाती हो, इसलिए आपका मेकअप जो है वो काला पड़ जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी मेकअप का ना कुछ भी बेस इसकी नहीं पता है, मैं बस लाती हूँ यूज़ में ना, मुझे करना नहीं आता है, कौन सा कब करना होता है, किस टाइम करना होता है वो मुझे नहीं आता है। तो बस कभी आप लोग बोलोगे आप ज़रूरत भी क्या है इतना मेकअप करने की, तो कभी कभी लगता है फंक्शंस में, तो बस उसमें मैं करती हूँ मेकअप और मैं कभी नहीं करती हूँ। आप लोगों को बोलिए झूठ बोलती है, तो सच्ची में ना जो मुझे जानते हैं तो उनको पता होगा कि मैं सिर्फ फंक्शन में फाउंडेशन वाउंडेशन लगाती हूँ, तो नॉर्मल लाइफ में सिर्फ आईलाइनर। तो यहाँ पे मैंने ये किए थे ना चार हाइलाइटर्स ऑर्डर, तो अभी मैं देख रही हूँ इनमें से कौन सा ना मेरी स्किन टोन के साथ मैच होगा। तो वैसे पहले अलग अलग था, तो फिर चार का कॉम्बो था, तो मैंने सोचा पहले अगर एक ऑर्डर करूँगी तो वो मैच ना हो, तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने चार किए थे, फिर मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कैंसिल किए। बट पता नहीं शायद कुछ काम पड़ गया था उस टाइम मुझे, मैं कैंसिल करना भूल गई। तो अभी मैंने सोचा चलो इसको देखते हैं, ओपन करते हैं कैसा है क्या है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसे चार है, चार शेड्स में आते हैं, हर एक का अपना अपना स्किन टोन होता है। तो मुझे पता ही नहीं मेरा ना मेरे स्किन टोन के साथ कौन सी फाउंडेशन मैच होती है, कौन सा कंसीलर होता है, कौन सा हाइलाइटर होता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इनका ना कुछ नंबर होता है, तो यहाँ पे मैं इनको वापस से बंद कर रही हूँ। तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था मेरी स्किन के साथ कौन सा वाला मैच होता है, तो मुझे कमेंट में बोलिएगा मैं इसको रखूँ या रिटर्न करूँ, तो मुझे कमेंट में आप लोग बोलिएगा ज़रूर। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये है इस व्लॉग का लगभग दूसरा या तीसरा दिन, वो मुझे पूरा नहीं पता क्योंकि कल ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैंने कुछ नहीं बनाया, तो डेट में से तीसरा दिन है। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा मेरे बालों का क्या हाल है, किस पोजीशन में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं ना अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, पिछली बार जो मैंने आप लोगों को दिखाया तो वो वाली क्लिप मुझे ना है ही नहीं, तो इससे ना छोटा पैच था। तो मैं होम रेमेडीज़ बोलते हैं ना, करो यूज़ करो यूज़, लेमन का स्क्रब करो या लहसुन का या सरसों का तेल जो होता है उसका करो, तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पे मैं अब डॉक्टर के पास गई थी, तो ये कुछ दवाइयाँ है जो उन्होंने मुझे दी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो ये ना कुछ ट्यूब है ये वाला, तो अभी इसको खोलूँगी मैं, दिखाऊँगी अंदर के कैसा है क्या है। तो होप सो कि इससे फ़र्क पड़े। तो होम रेमेडी जब मैंने डॉक्टर को बोली तो उसने बोला ये मत यूज़ करो, इससे एमसीज गैस खराबी बेगैस ना किन। तो ये वाला ट्यूब जो है अंदर से अभी खुल भी नहीं रहा है, तो ये है ट्यूब, इतना छोटू सा है अंदर से, तो पता नहीं शायद 350 का था। तो ये उन्होंने दिया वन बाई वन है ना, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हेड पर लगाना है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन नाइट को दिया था। और दी थी दवाई ये वाली, ये तो यहाँ पे इसका नाम लिख के ही नहीं है, तो अभी मैं दिखाऊंगी। ये मुझे दी थी दवाई जो कि मुझे खानी है सैटरडे और संडे शाम को खानी है ये वाली दवाई, सैटरडे संडे ओनली। तो
इसके साथ जिस दिन ये दवाई खानी है उसी दिन खानी है सैरडी या कोई भी स्टोमक की दवाई जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी वो सुबह खानी है जिस दिन वो वाली खानी है। तो ये मुझे दी थी और उन्होंने दी मुझे दवाई, एक सेकेंड, तो ये वाली नहीं, ये वाली दी विटामिन D3 की, जो हफ्ते में एक बार खानी होती है, तो जो कि मेरे पास विटामिन डी की कमी है तो ये दी थी। और मैंने लाई वहीं से अपने लिए, क्या बोलते हैं इसको, सर दर्द की दवाई, जो कि मेरे लिए ज़रूरी होती है, मुझे एक दिन दो दिन छोड़ के खानी ही पड़ती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है। ये मैंने लाई वहीं से और मैंने फिर डॉक्टर को बोला शैम्पू या सोप कुछ अलग से, तो उन्होंने बोला नहीं, जो आप यूज़ करते हो वो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला फिर भी कोई अलग सा शैम्पू मुझे दे दो क्योंकि बाहर का पता ही है केमिकल्स कितने होते हैं, उनमें साइड इफेक्ट कितना होता है। तो फिर उन्होंने मुझे ये लिख के दिया, बोला ये भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास अपना है तो वो अपना भी यूज़ में ला सकते हो। तो ये मैंने लाया, ये भी कुछ लगभग 350 का पड़ा मुझे। तो मैंने एक बार यूज़ किया, दवाई भी एक टाइम की खाई मैंने, शैम्पू भी मैंने कर लिया, अब रात को दवाई मलूंगी हेड पे, तो होप फ़र्क हो जाए। तो होम रेमेडी से तो फ़र्क नहीं हुई, होप कि इसके बाद एक मंथ के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। वेल, ये है इस व्लॉग का लगभग चौथा दिन। तो यहाँ पे पार्सल लेने के लिए हम बाहर निकले थे, तो इसमें क्या है, तो मैंने किया था जुलकरनैन के लिए बैग ऑर्डर, तो ये कुछ आया है इसका बैग, जो कि इसको ना स्पाइडर मैन का ज़्यादा चस्का पड़ गया है, तो बाहर मुझे नहीं मिल रहा मार्केट में ना शॉप पे स्पाइडर वाला, तो यहाँ पे ऑनलाइन मुझे दिख रहा था कॉम्बो में। एक तो टिफ़िन का बैग है, टिफ़िन लंच बॉक्स का बैग है छोटा सा, और बैग भी है। तो यहाँ पे मैं क्वालिटी चेक कर रही थी इसकी और जुलकरनैन अपना व्लॉग बना रहा था, तो ये देखो। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सिबलिंग व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सिबलिंग व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ताकि हम ना उस पर छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स और शॉर्ट्स अपलोड करें। तो यहाँ पर मैं इसकी क्वालिटी देख रही थी और जुलकरनैन अपना व्लॉग बना रहा था, तो ये क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है। जो इससे पहले मैंने जुलकरनैन के लिए बैग लाया था उसकी क्वालिटी उतनी ऐसी तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी। तो मुझे बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जुलकरनैन के बैग का जो हैंडल है वो कट गया था, तो इसलिए मैंने ये वाला बैग इसके लिए ऑर्डर कर लिया, तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों को इसकी प्राइस जाननी है तो कॉमेंट जरूर। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।